हेलो बच्चों बच्चों ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो हम करेंगे और लास्ट में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करें। क्या हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उस पे हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करें। तो याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है तो याद रखिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी तो ये Fe(CN)6 है हमारे पास कुछ इस तरीके से इस पे चार्ज। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो मेटल है, ठीक, जो मेटल है उस पे, ठीक, मतलब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस मेटल के ऊपर ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसी के अंदर जो एस और पी और डी ऑर्बिटल होंगे यही आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमें इसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है इसी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम पहले ये देख लें कि वो मेटल कौन सा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेंगे, हमारे पास क्या है मेटल, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल एटम या उसके अंदर आयन जो होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेंगे सबसे पहले। और फिर सेकेंड नंबर पे हमारे पास सेकेंड स्टेप में देखेंगे ये जो बगल में लिगेंट लगे हैं वो कैसे लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ लिगेंट देखेंगे ये, और जो हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंट्स होंगे वो हमारे पास या तो वीक फील्ड होंगे, ठीक, या तो हमारे पास क्या होंगे बेटा वीक फील्ड हमारे पास लिगेंट होंगे, ठीक, या तो हमारे पास क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक, लिगेंट होंगे, फील्ड लिगेंट होंगे। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक, तो ये टाइप ऑफ लिगेंट हो जाएंगे। ठीक, जब हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो हमारे पास क्या है थर्ड नंबर पे नॉर्मली क्या देखेंगे, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये देखिए 6 हमारे पास जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हमारे पास क्या जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो आएगा क्या, या तो आएगा sp3d2 या d2sp3 आएगा, ठीक, ये हुआ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 5 हुआ तो हमारे पास नॉर्मली क्या आएगा, ये 5 हुआ तो हमारे पास sp3d आएगा या dsp3 आएगा। देख लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, ठीक, तो याद रखिएगा या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। तो एक एक करके हम क्या करेंगे इनकी सबके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हमारे पास क्या है मेटल एटम है तो ये नॉर्मली 10+2 में जो मेटल एटम होगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होगा या हम कहते हैं 3D सीरीज का ही हमारे पास मेटल होगा नॉर्मली 10+2 में जो आते हैं, ठीक, वो 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही आते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका देखना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो मेटल एटम या आयन होते हैं तो उसका ही हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। तो याद रखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लें, फिर लिगेंड्स के बारे में देख लें, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें और बाद में हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके हम किसी को बता देंगे। तो सबसे पहले आ जाइए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक, तो यार ये हमारे पास नंबर 1 क्या है, हमारे पास सबसे पहली बात आ गई हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक, ऑफ 3D मेटल या हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल। और ये कौन से हमारे पास मेटल है हमारे पास बेटा, ये 3D सीरीज के हैं, 3D सीरीज के या मेरे पास क्या मैं कह दूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेरे पास ये आएंगे, ठीक, सीरीज में आएंगे। तो अब आइएगा देखिए जब हमारे पास 3D सीरीज में आते हैं तो हमें पता है क्या 21 से लेकर 30 तक इसके अंदर क्या होते हैं एलिमेंट, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 21 है 21 से 30 के बीच में एलिमेंट आते हैं। तो हमें पता है 21 इसका इंडियम से स्टार्ट होता है
और कहां तक जाता है, जिंक तक जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 21 से लेके 30 तक क्या है प्रॉब्लम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास एलिमेंट आते हैं, तो इनके हम पहले सबके एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेंगे। अगर हमें याद रखिएगा, अगर हमें ये ना क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना पता चल गया, तो याद रखिएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखिए, अब मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए देखिएगा बेटा, अब यहां देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं, देखिए 21 इसका मतलब क्या है, 21 इसका मतलब ये 21 से 30 तक, तो याद रखिएगा स्कैंडियम का मेरा क्या होता है 21। अगर मैं इसका इसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो आपको क्या करना, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रवि नंबर के अंदर 21 है, तो ये जो 2 है ये वाले इलेक्ट्रॉन आप यस में दे दीजिएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन डी में भरिए, मतलब ये वाले यस में इलेक्ट्रॉन भरने और ये वाले डी वाले। तो याद रखिए इसका लास्ट का बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, देखिए 4s2 3d1 ये हो जाएगा। अब जरा बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, और इसका मतलब यहां पे इसका मतलब क्या है 18 ऑर्गन आएगा, यही तो हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास यही हो गया, 18 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए 20, 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 21, ठीक। तो इसको जरा मैं थोड़ा सीक्वेंस से लिख लेता हूं, इसका मतलब इसको सीक्वेंस से लिखूंगा तो मैं इसी को लिख रहा हूं बेटा, खाली इसी को। तो ये देखो ये थर्ड वाली सेल का है, ये फोर्थ वाली सेल का, तो मैं 3D को पहले लिख रहा हूं, देखो 3D1 और ये 4S2, मतलब ये हुआ ये कौन सी सेल का है, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब डी कहां है 3D का है और 4 में ये इलेक्ट्रॉन 4S2 का है, ये है, ठीक। मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये जो मेरे पास 3D में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब डी में यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यस बाहर वाला है। तो याद रखिएगा 3D इसका मतलब क्या है, 3D के साथ स्ट्रॉन्ग हमारे पास अट्रैक्शन होगा, लेकिन 4S से कम होगा क्योंकि बाहर है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो याद रखिएगा हम 4S से निकालेंगे, ना कि 3D से, क्योंकि 3D क्या और इसके बीच में न्यूक्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले अगर निकालना हुआ तो हम 4S से निकालेंगे। तो देखिए, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास स्कैंडियम का हुआ ना, यही तो हुआ स्कैंडियम का, नॉर्मली स्कैंडियम का, ओके। तो देखिए स्कैंडियम का 2 हुआ, तो याद रखिए अब मैं इसका अगर यहां पे देखिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम, तो देखिए ये 3D है, तो 3D में कितने आते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, सोचिएगा 3D में मेरे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया, उसके बगल में देखिए 4S, तो ये मेरे पास क्या है 4S आ गया, आगे बस। अब याद रखिएगा इसका मतलब ये 4S में इसका मतलब जो फोर्थ सेल है इसमें सिर्फ क्या है यस सब सेल है, खाली यस सब सेल भरी हुई है, लेकिन हमें ये पता है कि 4S ना, या हमारे पास फोर्थ सेल में 4S तो होती है, 4PB होती है और 4DB होती है और 4FB होती है ना, इसका मतलब हमें पहले से पता चीजें हैं कि पहली दूसरी तीसरी ये 4 सेल है, मान लीजिए इसमें सिर्फ 1S होती है, इसमें 2S होगी और 2P होगी, इस वाले में हमारे पास क्या थर्ड वाले में SB होगी, PB होगी, DB होगी, और इस वाले में हमारे पास क्या SB होगा, PB होगा, DB होगा और FB होगा। मतलब पहली सेल में सिर्फ यस सब सेल होती है, दूसरे में यस और पी होती, तीसरे में यस पी और डी होती है, और चौथे में हमारे पास क्या चारों सब सेल होती है। तो मैंने कहा क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, देखिए 3D1 4S2, मतलब फोर्थ सेल में सिर्फ कहाँ यस में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसमें भी जा सकते हैं लेकिन ये खाली पड़े हैं, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ये ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बेटा, देखो इसका मतलब ऐसे नॉर्मली तो ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4P0 और 4D0 भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो अगर मुझे क्या करना, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हुआ तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऑर्बिटल में हमारे पास स्कैंडियम का बनाना हुआ तो मैं इसका अलग, ये 3D देखो, ये 1 2 3 4 5, 3D में मेरे पास क्या D में 5 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने बना दिए ऐसे, देखिए 4S बना दीजिए, ये 4S हो गया, यस में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये P में देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 बना दीजिए ऐसे 1 2 3, ना ये हमारे पास क्या हो गया 4P हो गया, ऐसे अगर D बनाना चाहते हैं तो 4D बना दीजिए, इसमें 5 होंगे 1 2 3 2 5, ये 4D हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, देखिए डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, तो मैंने यहां पे भर दिया, ऐसे यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, किसका, स्कैंडियम का ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझसे कोई कहे स्कैंडियम 2+ का ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, ठीक, तो याद रखिए अगर मुझे स्कैंडियम 2+, इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे कहां से,
या तो हमारे पास यस से निकालोगे या तो डी से निकालोगे, तो याद रखिएगा जो बाहर वाली सेल होगी उसी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इसका मतलब यस से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसका मतलब यस में तो यहां इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यस से निकल जाएंगे, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आगे बेटा एक, ये मेरे पास पांच हो गए, देखिए ये पांच हो गए, और इस वाले में मैं कितने 3d में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां से तो निकल गए होंगे, तो 4s में मेरे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए होंगे, ठीक। और 4p में तो पहले से ही नहीं है, 4d में भी हमारे पास क्या है पहले से नहीं है, तो ये मेरे पास स्कैंडियम 2 प्लस का डायग्राम आ गया। अब मुझसे अगर कह दे स्कैंडियम 3 प्लस का, तो स्कैंडियम 3 प्लस का कह दे अगर, तो अब क्या हुआ देखिए, अब इस वाले में मेरे पास क्या है 3d वाली, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ, देखिए ध्यान से इसका बचा क्या था, इसका मेरे पास बचा था 4s, ऐसे लिख देता हूं मैं, देखिए जब 3d1 4s0 4p0 4d0 यही तो था, ध्यान दीजिए ना स्कैंडियम का, नॉर्मली स्कैंडियम का क्या था देखिए यही तो था, स्कैंडियम का मैंने कहा था ये देखिए क्या था ये, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए क्या 3d1 4s2 4p0 4d0, तो अब मैंने क्या किया इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बना दिया। अब मैंने कहा स्कैंडियम से स्कैंडियम 2 प्लस बनाइए, तो मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन देखिए भरे थे, अब मैंने यहां पे खाली कर दिए बस, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया। अब मुझसे अगर कोई स्कैंडियम प्लस 3 का है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लूं, अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, अब तो यही बचा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल दोगे तो स्कैंडियम इसका आ जाएगा ऐसे 1 2 3 4, ये वाले हमारे पास देखिए 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये हमारे पास 4d हो गया ऐसे ना, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। आप ऐसे क्या बनाइएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनाएंगे। मैं एक दो करके और दिखा देता हूं, देखिए एक दो और दिखा देता हूं, देखिए सेकंड नंबर पे आ जाइए, मैं दिखाता हूं क्या टाइटेनियम का, टाइटेनियम का 22 होता है बेटा, 22 हुआ तो सबसे पहले याद रखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको कहां यस में भर देने हैं और ये वाले डी में भर देने हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4s2 3d2 आ गया, ठीक। अब देखिए इसको अरेंज कर लिए, 3d को पहले लिख लीजिए तो 3d2 आ जाएगा बेटा और 4s2। अब देखिए मैंने कहा 4 में क्या है मेरे पास यस भी होती है, पी भी होती है, डी भी होती है और एफ भी होती है, लेकिन उनमें से इलेक्ट्रॉन सिर्फ यस में है, तो मैं ऐसे लिख दूं 4p0 4d0 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक। अब मुझसे कोई अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दे तो मैं इसको इस वाले में देखिए अगर ऑर्बिटल डायग्राम मुझसे कोई कह दे बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा, इसमें 5 ऑर्बिटल होते, इसमें 1 होते, इसमें 3 हो गए, इस वाले में 5 होंगे डी में, तो ये देखिए टाइटेनियम का मुझे ऑर्बिटल डायग्राम कोई कह दे तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ऐसे 4, ये 4p हो गया, और ऐसे मेरे पास क्या हो जाएगा ये 4d हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये हमारे पास 3d, ये देखिए ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, देखिए ये मेरे पास 4p और ये मेरे पास 4। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2, यस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ठीक, और पी में इलेक्ट्रॉन है नहीं, डी में भी नहीं है। अब जरा देखिए अगर मुझसे कोई कह दे कि टाइटेनियम 2 प्लस बनाइएगा, तो टाइटेनियम 2 प्लस अगर बेटा होगा तो टाइटेनियम का स्ट्रक्चर तो यही है ना, को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए 3d2 4s2, तो इसका मतलब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो बाहर वाली सेल से निकालूंगा, तो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां से निकाल लीजिएगा 3d2 बचेगा, ये 4s0 हो जाएगा और ये 4p0 था ही 4d0 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना पाएंगे, आप देखिए ये हमारे पास डी में कितने 1 2 3 4 5, ये 4s हुआ, ये 4p हो गया, और इसी तरीके से मेरे पास क्या है 4d हो जाएगा, तो ये 3d हो गया, 4s 4p 4d हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 1 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भर दिए, इस वाले में देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 4p में भी नहीं है, 4d में भी नहीं है। इस तरीके से आप क्या करेंगे ऑर्बिटल का डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे, ओके। मैं एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं, देखिए एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक। अब देखिए मैं सिंपल इस तरीके से बता दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए वैनेडियम है, तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 23 होता, तो आप सीधे सीधे कह दो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यस में चले जाएंगे, ये 4s2 हो जाएगा, ये 3d3 हो जाएगा। अब इसको सही से लिख लीजिएगा 3d3 4s0 4s2 हो गया और 4p हमारे पास 0 4d0, और इसका हमारे पास एक्सपेंड करके इसी तरह डायग्राम आप बना सकते हैं। अब मुझसे अगर कोई कह देगा कि बताइए अगर वैनेडियम मेरे पास 2 प्लस का डायग्राम बनाइए, तो मैं बना दूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं यहां से रख दूं निकाल दूंगा, तो 3d3 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा, ठीक।
ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा। ऐसे सेम टू सेम अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, देखिए क्रोमियम का 24 होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले लिखो, तुम ये सोच रहे हो ये एस में दे दूंगा ये डी में दे दूंगा, तो इसका मतलब ये 4s2 है और ये 3d मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत है, क्योंकि इसी केस में क्या होता है ये 4s और 3d जो हमारे पास सबसेल है इसके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां माइग्रेट कर जाता है, तो ये बनता है 4s1 3d5। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गया, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अगर बन गया तो ये मोर स्टेबल होता है, इसीलिए हम कहते हैं क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये ना होके ये होता है, क्योंकि हमारे पास d5 जो होगा वो हमारे पास हाफ फिल्ड है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए होता है। ठीक, तो हमारे पास नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या क्रोमियम ऐसे लिख दीजिए, देखिए इसको पहले लिख दीजिए तो यह जाएगा 3d5 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा और 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा 4d0। अब ठीक है, अगर हमसे कोई कह रहे थे क्रोमियम हमारे पास क्या दे दे, जैसे क्रोमियम हमारे पास +1 दे दे, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा, यस से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 3d5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा। अब ऐसे अगर मुझसे कोई क्या कहते क्रोमियम मेरे पास 2+ निकालिए, तो अब तो इसका मतलब यहां तो बचे नहीं, तो यही से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इसी मतलब मेरे पास मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आप कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे करोगे। ठीक, शॉर्टकट में मैं मेटल के कॉन्फिगरेशन सारे लिख के बता दे रहा हूं। देखिए क्रोमियम हो गया, अब देखिए मैग्नीज का, मैग्नीज में आ जाएगा बेटा 25 हुआ। ठीक, तो मैं क्या हो जाएगा देखिए 4s2 हो जाएगा, 3d मेरे पास 5 हो जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यस में ले दिया, ये मैंने पी में दे दिया, कोई डी में दे दिया। ठीक, तो मैं इसको सही से लिखूं तो 3d5 हो जाएगा, 4s सॉरी क्या नाम सॉरी इसको 3d5 हुआ, 4s2 हुआ, इसको पहले लिख दिया ना, अरेंज कर दिया हमारे पास, फिर मेरे पास 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले में। ठीक, अगर मुझसे से कोई कह दे मैग्नीज 2+ कर दे, बोलिए तो मैग्नीज 2+ कर दे तो मैं कहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, मैं यहां से निकाल दूंगा, तो 3d5 हो गया बेटा, 4s0 हो गया, 4p0 हो गया और 4d0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, ऐसे मुझे आयरन दे दिया जाए, आयरन दे देगा तो 26 हो जाएगा। देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यस में देने हैं, ये यस वाले में इसमें देने और ये डी में देने हैं, तो 4s2 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। ठीक, इसको अरेंज कर लीजिए, 3d को पहले लिख लीजिए और 4s2 आ जाएगा, 4 वाले में हमारे पास पी भी आ गया होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, ऐसे 4d0 आ गया होगा। ठीक, ऐसे मुझसे कोई कह दे या फिर 2+ निकालने के लिए, तो मैं कहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, देखिए यहां से निकाल दूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा 3d6 आ जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा। अब मुझसे अगर कोई कह दे या फिर 3+ निकालने के लिए, तो मैं यहां से एक और निकाल दूंगा, बोलिए क्यों, दो निकले एक और निकाल दूंगा, तो यहां 3 चार्ज आ जाएगा, तो ये 3d5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, ऐसे 4d0 हो जाएगा। ऐसे देखिए अगर मुझे क्या 27 कर दिया जाए कोबाल्ट का 27, तो आसान है, क्यों 4s2 आ जाएगा, 3d7 आ जाएगा, बड़ा आसान है। ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको पहले लिख लिए 3d7 हो जाएगा, ठीक ये 4s2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मेरे पास क्या 4p0 आ जाएगा, 4d0 आ जाएगा। ठीक, अगर मुझसे कोई कह दे कि कोबाल्ट 2+ लिखिए, तो कोबाल्ट 2+ कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3d7 आ जाएगा, 4s0 आ जाएगा, 4p0 आ जाएगा, 4d0 हो जाएगा। ऐसे कोबाल्ट 3+ कर दे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, तो मैं यहां से निकाल दूंगा तो क्या जाएगा 3d6 आ जाएगा, 4s0 आ जाएगा ना, 4p0 आ जाएगा और 4d0 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। ठीक, और देखिए इसमें एक दो और कर देता हूं, मेरे पास कहां पे पहुंच गया मैं, कोबाल्ट के पास। अब इसके बाद आता है बेटा निकिल का। देखिए निकिल के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए निकिल के बारे में अगर बात करें तो 28 होता है इसका, अगर 28 होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यस में दे देंगे, ये वाले हमारे पास डी में दे देंगे, तो ये आ गया 4s2 3d8 आ गया। देखिए इसको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, देखिए तो ये 3d8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया। बोलिए सेम टू सेम, आप देखिए अगर मुझसे कोई कह दे कि बताइए निकिल 2+ का डायग्राम बनाइए, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर वाली स्तर से निकाल दूंगा, तो ये आ जाएगा 3d8 आ जाएगा, ये 4s0 आ जाएगा, 4p0 आ जाएगा, 4d0 आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, अगर मैं इसी और अगर मैं निकालू तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा। ओके, ऐसे आप देखिए कॉपर, कॉपर का 29, इसके में ध्यान देना है क्या,
अगर तुम ये सोच रहे हो ये यस में दे दूं या डी में दे दूं तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए अगर 4s2 कर दिया और 3d9 कर दिया तो गड़बड़ है, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो 4s1 हो जाएगा 3d10। अब देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 10 ही आ गए तो ये फुली फिल्ड हो गया, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम कहेंगे क्या इससे एक इसके इसके मतलब 4s और 3d के बीच एनर्जी गैप कम होता है, ठीक, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि d10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास है वो मोर स्टेबल होता है, इसीलिए ऐसा होता है, क्या करता है स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करवा लेता है, ठीक, ओके। तो आप देखिए सेम टू सेम में अगर मेरे पास कॉपर की बात करें, देखिए यहाँ पे कॉपर की बात करें, कॉपर मेरे पास क्या +1 की बात करें, देखिए कॉपर मेरे पास +1 की बात करेगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल, या तो ऐसे अरेंज कर लीजिए ना, आपको ऐसे देखिए इसको पहले लिख लीजिए 3d10 हो गया बेटा, 4s1 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया, आ गया 4d0 हो गया। अब देखिए अगर मुझे कॉपर +1 है तो बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे पहले बाहर से निकालेंगे तो क्या हो गया, देखिए 3d10 हो गया, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, 4d0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करे, अगर मुझसे कहते कॉपर 2+ का बनाइए, कॉपर तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, अब बचा ही नहीं तो यहां से ही निकालोगे तो क्या होगा बोलो, ये 3d क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4s0 हो गया, 4p0 हो गया और 4d0 हो गया, ठीक। अब लास्ट में बचा एक जिंक बचा, देखिए अगर हम जिंक की बात करें, देखिए जिंक की बात करते हैं, देखिए तो जिंक हमारे पास क्या होता है लास्ट में 30 होता है, देखिए जिंक की अगर बात करें तो ये 30 होगा, तो 30 हमारे पास लास्ट में जाओगे तो ये आएगा बेटा 4s2 3d10 आ जाएगा ऐसे। अब इसको अरेंज कर लीजिए उसी तरीके से, क्या देखिए ये मेरे पास आएगा, देखिए 3d को पहले लिख लीजिए, 3d10 हो गया, 4s2 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया, ओके। अब देखिए अगर मुझसे कोई कह दे कि भैया ये बताइए Zn2+ के निकालो तो मैं इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा, यहां से, तो इसका मतलब क्या हो गया 3d10 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास क्या कोई मेटल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और जो ऑर्बिटल है वो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो ये नॉर्मल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो आपको मस्ट है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको ये आना ही चाहिए, ठीक। 21 से लेके क्या होना चाहिए, 21 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना आपको आना चाहिए, ठीक, ये तो कंपलसरी है, ओके। अब मैं आगे लिस्ट पर बढ़ता हूं, लिगेंड्स के बारे में बताता हूं, लिगेंड्स के बारे में, चलिए ठीक ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ओके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब अगले हम लोग अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, क्या लिगेंड्स के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए लिगेंड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। आइए लिगेंड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो लिगेंड्स के बारे में बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है लिगेंड, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है लिगेंड के बारे में हम बात करते हैं। तो लिगेंड अभी हमने बताया दो तरीके के हमारे पास लिगेंड थे, ठीक, एक क्या थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक, एक हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड थे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, ठीक, और एक हमारे पास क्या वीक फील्ड लिगेंड। अब याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इनको हम इनको बोलते हैं क्या लो स्पिन लिगेंड भी बोलते हैं, लो स्पिन लिगेंड भी बोलते हैं, और इसको हमारे पास क्या है लो स्पिन और उसको हाई स्पिन लिगेंड भी बोलते हैं, या तो इसको वीक फील्ड बोलिए वीक फील्ड लिगेंड, या इसको बोलते हैं हाई स्पिन लिगेंड, हाई स्पिन आगे मैं बताऊंगा आगे क्या होते हैं हाई स्पिन लिगेंड, या मेरे पास क्या है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और ये इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, ठीक, दोनों में फर्क क्या है कि मान लीजिए मेरे पास क्या है नॉर्मल डी ऑर्बिटल है, देखिए डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये मेरे पास 5 3d, मान लो ये 3d ऑर्बिटल है, ठीक, और इसमें मेरे पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 2 3 4, इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, या मेरे पास ऐसे लिख रहा हूं यहां पे मेरे पास डी का कॉन्फिगरेशन कितना है, डी मेरे पास है मान लीजिए 6 है ऐसे d6 ना, मान लीजिए ऐसे क्या हुआ, देखिए मेरे पास ऐसे मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए बेटा 1 2 3 4 पर ये मेरे पास डी है, ठीक, और d5 है, ठीक है d6 ले लेता हूं मैं, बढ़िया रहेगा d6 ले लो, तो यहां कैसे भरोगे, पहले अनपेनिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 भरा ऐसे, फिर छठा यहां भर दोगे। अब क्या है अगर तुमने क्या है
अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अगर तुमने यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ले आए, तो ये क्या करता है, ये जो ऑर्बिटल दिखाई पड़ रहे हैं, ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दिखाई जो पड़ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड उसकी पेयरिंग करवा देगा। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड की डर से ये जो हमारे पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दिखाई, जिसमें एक एक है, ये क्या होंगे, ये वाला बंदा यहां आ जाएगा, ये यहां, मतलब सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 है, देखिए दो इसमें तो थे ही, ठीक, इस वाले में एक था तो यहां आ जाएगा ये, तो ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा। मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर लीगेंड हुआ तो क्या करता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर एक ऑर्बिटल में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कर देता है, सबको क्या करेगा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सबकी पेयरिंग करवा देता है, एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके ना, तो जैसे अगर मैं और भी बताऊं, अगर ऐसा हो कि जे मान लीजिए मेरे पास क्या हो, 1 2 3 4 इस तरीके से पाइप है, ठीक, और मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ D4 था, या मेरे पास क्या था यहाँ पे D8 था, D या ऐसे मेरे पास क्या है D, मान लीजिए D6 था या D7 था, ये D7 था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हुआ। अब क्या होगा, देखिए अगर तुमने स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया, तो अब एक तो एक की तो पेयरिंग हो सी सकती है, ये वाला यहां चला जाएगा, ये बता ऐसे बचा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, अगर मेरे पास लिगेंड कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, तो वो क्या कर देगा, सबको पेयर्ड बना देगा। लेकिन यहां तो मजबूरी है, एक ही पेयर्ड हो सकता है, एक तो सिंगल ही बचा रहेगा। लेकिन याद रखिए कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हुआ तो वहां पे क्या होगा, पेयरिंग करवा देगा। तो इसका मतलब ऐसे लिगेंड जो डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करवा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और वीक फील्ड अगर आया तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या आया, ऐसे यहाँ पे D6 है, ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मेरे पास क्या वीक फील्ड लिगेंड अगर हुआ तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो क्या करवा दे पेयरिंग, वो ऐसे ही 1 2 3 4 5 मतलब पेयरिंग नहीं करवा पाता है। तो नॉर्मली हमारे पास ये समझ में आ गया बेटा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो क्या होता है, वो सबकी पेयरिंग करवा देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक, पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन इस वाले में देखो कंडीशन ये थी कि बस इस वाले में क्या है, देखिए इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन तो दो आ सकते थे, तो इसमें क्या हुआ, एक तो पेयर हो गए, एक ऐसे ही बचा, क्योंकि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कहां से पेयर करवाओगे, ठीक। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होंगे, डी ऑर्बिटल में या कोई ऑर्बिटल हो उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, और वीक फील्ड के अंदर ये पावर नहीं होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ये पावर होती है, वो पेयरिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो वीक फील्ड होते हैं वो उनके अंदर ये पावर नहीं होती है कि वो पेयरिंग करवा दे, इसलिए इलेक्ट्रॉन सिमिलर ऐसा ही पड़ा रहता है, ठीक। तो हमारे ख्याल से ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होते हैं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे। देखिए ये तो हमारे पास सेकेंड, अब देखिएगा एक चीज और बता दूं मैं, ठीक, एक साथ लगे। और देखिए अगर मेरे पास कोई ऑर्बिटल है बेटा, अगर ऑर्बिटल मान लीजिए मेरे पास डी ऑर्बिटल है और उसमें इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर, तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक है। वो कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक है, ठीक, पैरामैग्नेटिक नेचर है। मतलब अगर किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और पैरामैग्नेटिज्म निकाली कैसे जाती है बेटा, देखो पैरा मैग्नेटिज्म अगर हम बात करें तो इसको न्यूसेल कर दिखाते हैं, और ये होता है क्या, N2N+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये होता है, ठीक। अब ये N क्या है बेटा, N हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे जैसे अगर मुझसे कोई कह दे कि बताइए यहां पे मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कैसा है, तो इसमें देखिए एक ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये सब अनपेयर्ड हैं। तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हुआ तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और उसको निकाला कैसे जाएगा, इस तरीके से। तो अगर मुझे पैरामैग्नेटिक वाले कॉम्प्लेक्स की निकालनी है तो बताइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आप कितनी रखोगे, देखिए अनपेयर्ड कितने हैं, 3, तो 3 रख दीजिए, 3+3+2, ये हमारे पास क्या है, बी एम आ जाएगा। बोलिए तो ये हमारे पास कितना हुआ बेटा, देखिए
थ्री इंटू फाइव, बोलिए तो ये हमारे पास रूट 15 हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन आ गया, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा, इतना हमारे पास हुआ। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके अंदर मेटल है और उसके अंदर अगर मेटल के अंदर कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। दूसरा केस हमारे पास ऐसे सेम टू सेम दूसरा केस आता है क्या, अगर हमारे पास कोई डी ऑर्बिटल है या कोई एस ऑर्बिटल या कोई पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर क्या है, अगर उसके अंदर इस तरीके से बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कुछ ऐसे भरे पड़े ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक, तो हम कहेंगे अगर क्या हुआ खाली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे को बोलेंगे ये डायमैग्नेटिक है। ओके, समझ में आ गई बात, क्या हमसे कोई को भी कहेगा बताइए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, अगर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक, अगर वो पेयर्ड हुआ तो हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। अब दूसरा देखिए, अगर मुझसे ये कह दे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये देखिए, तो इसका मतलब मान लीजिए 1 हो गया 2 हो गया, ये मेरे पास क्या है 3 हो गया, ऐसे ये ऐसे कहे, तो याद रखिए हम क्या पहले पैरामैग्नेटिक चेक करेंगे बाद में डाया की बात आएगी। तो हमसे कोई अगर पूछे कि देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो हमारे 2 2 4 हमारे पास 3 7 D7 है ये, तो बताइए कैसा है पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप अनपेयर्ड देखेंगे, तो अनपेयर्ड देखिए यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, अनपेयर्ड 3 हैं, तो मैं कहूंगा इसको नहीं देखूंगा, ध्यान दीजिए ये मेरे पास नहीं, इसका मतलब सबसे पहले अनपेयर्ड देखूंगा, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो सबसे पहले आप अनपेयर्ड देखेंगे, अनपेयर्ड होंगे तो पैरा लगा देंगे तो हम इसको नहीं वो करेंगे। ओके, तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़े जैसे ये मेरे पास क्या हुआ 2, ये 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे, देखो हर ऑर्बिटल में मेरे पास क्या है पेयर्ड है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया, ये डाया हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे निकालेंगे भी, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो इस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब आ जाइए हम लोग देखते हैं बेटा ना स्टेप के अंदर, मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकालना स्टार्ट करते हैं, क्या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब, देखिए आप ध्यान दीजिए बेटा, अगर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, 6 की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास मतलब CN = ठीक 6 की बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा कोई ऐसा मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें लीगेंड क्या हो मोनोडेंटेड लीगेंड, या मेरे पास ऐसा लीगेंड मतलब ये ML6 टाइप का 6 लीगेंड हो, ठीक, तो अगर मुझसे कोई अगर कहेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा क्या 4 बॉन्ड प्लेन में बनाऊंगा, 1 2 3 4 ऐसे बन गया, एक एवोदा प्लेन बना दूंगा और ये ब्लैक वेड के पीछे, तो मतलब ये मेरे पास स्क्वायर हो गया, ऐसे 4 बॉन्ड कहां प्लेन में बन गए, एक कहां बना दूंगा ऊपर, तो इसका मतलब एक ऐसे बन गया और एक मैं ब्लैक वेड के पीछे, तो इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल होता है, ऑक्टाहीड्रल होता है, ठीक, इसका हमारे पास, तो ये मेरे पास लिगेंड है, ठीक, लिगेंड है ऐसे, ठीक, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ, ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहीड्रल बनेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेटल के बारे में और लीगेंट के बारे में, तो याद रखिएगा अभी मैंने कहा कि लीगेंट्स मेरे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है, ठीक, तो अब वो कौन कौन से लीगेंट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन कौन से ऐसे हैं जो वीक फील्ड है, तो मैं इसलिए सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताऊंगा लीगेंट का बिहेवियर, मतलब अगर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, मतलब मेटल के चारों तरफ अगर 4 बॉन्ड बने हुए, मतलब 6 बॉन्ड बने हुए हैं, 6 बॉन्ड बने हुए हैं, तो उसके केस में मैं लीगेंड का बिहेवियर देखूंगा, तो याद रखिएगा जो लीगेंड्स होते हैं, ठीक, उनका बिहेवियर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ चेंज होता है, ठीक, कोई जरूरी नहीं जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे कोई लीगेंड क्या बता स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा हो, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वहां पे उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक, तो इसीलिए मैं आ जाऊंगा सबसे पहले अगर मेरे पास लीगेंड के बारे में पता करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो उसके अंदर लीगेंड्स क्या होंगे, ध्यान दीजिए, तो नॉर्मल मेरे पास ध्यान दीजिएगा कैसे मेरे पास, देखिए ये मेरे पास सीरीज है, मेरा थोड़ा सा छोटी बना रहा हूं, आई मेरे पास है बी आर माइनस है, ठीक, सी एल माइनस है, ये मेरे पास एफ माइनस है,
ठीक, इसके बाद मैं ले रहा हूं पानी ले रहा हूं, ठीक, फिर मैं अमोनिया ले रहा हूं, ठीक, फिर मैं ईन ले रहा हूं, फिर मैं ले रहा हूं सीएन ले रहा हूं, फिर मेरे पास क्या है, मैं फिर से इधर लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर जा रहा, देखिए क्या मेरे पास आई माइनस है बेटा, आई माइनस है, ऐसे आई माइनस है, ठीक, फिर मेरे पास क्या है आई माइनस हो गया, बी आर माइनस हो गया, सी एल माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया, पानी हो गया, ठीक, फिर उसके इसको ऑर्डर ऐसे लगा दीजिएगा जरा मेरे पास इस तरीके से, ठीक, फिर मेरे पास हो गया अमोनिया हो गया, फिर मेरे पास ईन हो गया, फिर मेरे पास सी एल माइनस हो गया, फिर मेरे पास सीओ हो गया, ठीक, ये मेरे पास नॉर्मल एक सीरीज है, ठीक, तो याद रखिएगा ये लीजेंड्स हैं सारे, ठीक, तो जो मेरे पास कोई लीजेंड कैसा है कि लीजेंड कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है बेटा क्यों, या वीक फील्ड लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक होता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो मेटल है मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फिर से मैं कह रहा हूं क्या जो लीगेंड हमारे पास क्या पता वो स्ट्रॉन्ग हो क्या पता वो वीक हो, कोई लीगेंड क्या हो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इस मेटल पे कि इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो याद रखिएगा अगर ये मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर समझिएगा प्लस टू हुई, अगर क्या हुई, अगर इस मेटल, और याद रखिएगा ये मेटल मेरे पास कौन सा है, थ्री डी सीरीज का ही मेटल है, क्या अगर मेरे पास क्या हुआ बेटा थ्री डी सीरीज का जो मेटल है, अगर उसका थ्री डी सीरीज का मेटल उसकी ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस टू हुई, तो याद रखिएगा यहां से ये जो मैं बता रहा हूं ये यहां से मतलब सीएन से पहले आई से और सीएन के बीच में जितने भी मेरे पास लीगेंड्स होंगे, ठीक, वो वीक फील्ड लीगेंड होंगे, और ये वाले मेरे पास क्या इधर वाले क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे, आ गई बात समझ में, अगर क्या है कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मैं लीगेंड की बात कर रहा हूं, अगर इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई टू प्लस आई, तो याद रखिए क्या उसके केस में सिर्फ सीएन और सीओ ही क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करें, मतलब यही पेयरिंग करवा पाएंगे, ये सारे के सारे वीक की तरह काम करेंगे। अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन, ये मेरे पास पानी है, तो पानी के केस में यहाँ पे मैं यहाँ पे OH भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या है C2O4 माइनस ऑक्सीलेट भी आ जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक। अब दूसरा केस मैं बताता हूं बेटा, अगर इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री हो गई, इस क्या प्लस थ्री हो गई, तो ये जो पानी है पानी के इधर वाले जितने हैं वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इधर वाले क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, मतलब अगर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन हुई तो थ्री डी सीरीज के मेटल क्या उसके साथ अगर लिगेंड इधर वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे, ये वाले वीक फील्ड हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस याद रखिएगा, क्या अगर मेरे पास क्या है पानी ना, मतलब क्या है अब तो पानी क्या होगा, देखो पानी के इधर वाले स्ट्रॉन्ग और इधर वाले बी कब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक, तो याद रखिएगा अगर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसमें पानी क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर ये पानी कोवाल्ट के साथ आ गया, मैं फिर से कह रहा हूं क्या अगर कोई भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास कोवाल्ट है तो कोवाल्ट थ्री प्लस है, तो कोवाल्ट के साथ अगर पानी आ गया या OH आ गया माइनस या C2O4 ऑक्सीलेट आ गया, ठीक, तो याद रखिएगा क्या कोवाल्ट के साथ ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। फिर से कह रहा हूं क्या पानी के नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस आई, तो पानी के इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर वाले वीक फील्ड, मतलब ये वाले सारे पेयरिंग करवाते हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री में होगी, और इधर वाले नहीं करवा पाएंगे, ठीक, ओके, तो इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर वाले वीक फील्ड, लेकिन पानी कैसा करेगा, तो याद रखना पानी अगर कोवाल्ट थ्री प्लस की आ गया, पानी हो गया OH हो गया ऑक्सीलेट हो गया, अगर ये किसके साथ अगर कोवाल्ट थ्री प्लस के आ गए तो ये पानी किसकी तरह काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ओके okay? उसके अलावा अगर दूसरा कोई मेटल आ जाए जैसे मैग्नीज 3 प्लस आ जाए, समझिएगा, या एफई प्लस आ जाए और कोई भी आ जाए 3 प्लस में, उसके साथ ये वाले जो लिगेंड हैं कौन से, वाटर हो गया OH हो गया माइनस और मेरे पास क्या हो गया C2O4 माइनस हुआ, तो ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, वीक फील्ड ना। फिर से मैं कह रहा हूं क्या नॉर्मली प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर में
पानी के इधर वाले स्ट्रॉन्ग, इधर वाले वीक, तो पानी कैसा? तो मैंने कहा पानी अगर कोवाल्ट 3+ के साथ आ गया, पानी हो गया, तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब पेयरिंग करवा देंगे। उसके अलावा अगर ये वाले पानी हो गया C2O4, उसके अलावा दूसरे के साथ आया मैग्नीज के या किसी और के साथ आया, तो उसके केस में ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके चलिए, ये तो हो गया हमारे पास थ्री। अब देखिए वही इस मेटल की अगर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई बेटा, +4 आ गई, तो +4 के साथ में ये सारे के सारे मतलब आयोडीन से लेके CO के साथ में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आया ना, कि अगर मेरे पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो CN के इधर वाले देखो ये यहां से इधर CN CO स्ट्रॉन्ग पे रिपेयरिंग करवाएंगे, इधर वाले नहीं करवाएंगे। लेकिन +3 वाला आया तो पानी के इधर वाले पेयरिंग करवाएंगे, इधर वाले वीक फील्ड, लेकिन पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां काम करेगा, कोवाल्ट 3 के प्लस के पास में, और बाकी के साथ सब वीक फील्ड। अगर +4 ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल की आ गई तो सारे के सारे सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सारे पेयरिंग करवाएंगे। ओके ये मेरे पास कंसेप्ट, आप एक बार बांधिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके तो याद रखिए क्या, जो लिगेंड का बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रहा है, इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हमारे पास चेंज हो जा रही है, वैसे हमारे पास क्या है, इनका बिहेवियर भी चेंज हो जा रहा है। ओके तो इसको नोट करिए, हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, ये बहुत याद रखिएगा, अभी मैं इसी का यूज पूरा करूंगा। ओके चलिए ठीक, अब मैं इसको बिठाता हूं, अब मैं हाइड्रोजन कैलकुलेट करना स्टार्ट बताता हूं। ठीक, ओके अब मैं इसको बता रहा हूं। ठीक, अब जरा मेरे को ध्यान दीजिए, आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, कौन पेयरिंग करवा पाएगा और हमारे पास कौन नहीं करवा पाएगा। ठीक, तो अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो ये मेरे पास CO आ गया, ठीक ये इधर आ गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ना लिया तो आप फिर से ले लीजिए। ओके अब देखिए, अब मैं आ जा रहा हूं इस पे निकालने के लिए बेटा। ये बच्चों सबसे पहले हम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं याद रखिएगा, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Fe है बेटा, ये Fe है, ठीक ये Cl है, ये 6 है, ध्यान दीजिए Fe Cl 6 2- की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे Fe Cl- मैं 4 कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 4- की बात कर रहा हूँ, देखिए 4-। अब मैं कह रहा हूं इस वाले कॉम्प्लेक्स में मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, 1। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, क्या है ये। ठीक, दूसरा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अभी बताऊंगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक, या मैं क्या कहूं, या आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है। ठीक, ये कैसा, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, कैसा है, इस पे हाइड्रेशन बताना है क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक ये बताना है, और इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल इसमें क्या है वो कैसा बताना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस मेटल में याद रखिए ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है, ध्यान दीजिए इसकी अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है आयरन की, तो एक्स मान लिया, प्लस ये 6 है, क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है। ठीक, और देखिए कॉम्प्लेक्स पर 4- है तो यहां मैं 4- कर दिया, या मैं ऐसा लिख दूं 4-4, तो एक्स की वैल्यू निकाली जा रहा है, एक्स हो गया, ये -6 हो गया, -4 हुआ, तो आगे जब निकालिएगा तो क्या आएगा, ये कि एक्स इक्वल टू क्या है, -4 आ गया, +6 आ गया, तो 4 से जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, तो मतलब ये हुआ यहां पे आयरन +2 फॉर्म में है, आयरन +2 फॉर्म में है। ओके, +2 फॉर्म में आयरन हमारे पास होगा। ओके अब देखिए, अब मुझे ये पता है कि मुझे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, इस मेटल का होगा, इस मेटल पे आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब तुमको ये पता है अगर +2 इसकी ये है तो +2 के साथ में क्लोरीन कैसा लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड। अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास इस तरीके से आई क्या, I- Br- Cl-, ठीक ये F- ये मेरे पास क्या है, पानी आ गया, ये मेरे पास क्या है, अमोनिया आ गया, ये मेरे पास ईन आ गया,
ठीक, और ये मेरे पास CN माइनस आ गया, ये CO। तो अभी मैंने कहा अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है तो इधर वाले सारे के सारे वीक फील्ड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, इधर वाले हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब क्या हुआ, प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर में Cl क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ये आपको पहले पता करना है। ठीक, तो आयरन के साथ अगर Cl आया और अगर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है तो प्लस टू में देखिए ये Cl यहां आ रहा है, तो यहां पे ये वीक फील्ड, मतलब अगर इस डी इस वाले क्या आयरन के अंदर डी ऑर्बिटल हुए तो ये लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि कैसा है, वीक फील्ड है। ठीक, अब मैं आता हूं, देखिए सबसे पहले आयरन लिखिए अकेला, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता, लिखिए, लिख लिया। ठीक, फिर इसमें ध्यान दीजिए क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां दीजिए, यस में दीजिए, ये वाले डी में दीजिए, क्या आ जाएगा 4s2 3d6। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए सीक्वेंस में, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4d, ये क्या आएगा 3d आएगा। ठीक, तो ये वाले देखिए 3d6 आया, 4s2 आया, 4p0 आया, 4d0 आया। ओके, तो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, ऑर्बिटल डायग्राम बेटा बनाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ये डी आए मेरे पास, क्या डी 1 2 3 2 5, ये 3d आया। ठीक, ये 4s बनाऊंगा, 3d बन गया 4s, उसके बाद 4p बनाऊंगा, 4p बनाया। ठीक, और ये 4d 1 2 3 2 5, ये 4d होगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पे मैं ये वाले 3d ऑर्बिटल है और ये वाले 4d, तो ये वाला जो ये वाले d ऑर्बिटल है ये अंदर है, तो इसी को मैं बोलता हूं इनर d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल, और ये बाहर वाले हैं तो ये मैं बोलूंगा ये आउटर d ऑर्बिटल है। ठीक, आउटर d ऑर्बिटल है। ओके, तो आप याद रखिएगा अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ तो मैं कहूंगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर बाहर वाला यूज हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए ये तो मैं नॉर्मल या पी का बनाया था, अब इलेक्ट्रॉन भरिए जरा, देखिए मैंने बना लिया डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यस में कितने 2, तो कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इस वाले में यस में 2 ही है तो यस में हमारे पास एक क्लॉक वाइज घंटी बस हो गया। अब आइए, अब यहां पे अगर एपी से एपी 2+, यहां पे देखिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2 में बेटा, निकालोगे कहां, सिंपल सी बात है बाहर वाले से यस से निकालोगे, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा, देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 3d और ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये मेरे पास 4d हो गया, ये d हो गया। अब देखिए इसका मतलब 4s से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, ठीक, तो इसमें तो बचे नहीं है, लेकिन इसमें तो बचे होंगे ना 1 2 3 4 5 6 बचे होंगे ऐसे। ठीक, ये 4p में थे नहीं, 4d में, आगे बात समझ में। अब सुनिए, अब तो ये तो मेरे पास क्या है अकेला बना रहा था, ये अभी कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं, अकेले फॉर्म में, मतलब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है अभी। ठीक, अभी मैंने इसके चारों तरफ कोई लिगेंड तो लगाए नहीं, अब मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान दीजिए, अब ये तो मेरे पास क्या खाली आयरन अगर होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता, अब मैंने क्या किया है इस एपी 2+ के चारों तरफ 6 लिगेंड ले आए हैं Cl-, तो अगर ये 6 लिगेंड से एपी बाइंड कर जाए तो एपी 2+ में या हम कहेंगे क्या बनेगा, एपी Cl6-4- बनेगा। तो अब यहां पे तो ये ऑर्बिटल था ये है, लेकिन जब मैं इसके चारों तरफ 6 लिगेंड कर दूंगा तो ये डी ऑर्बिटल, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बचेगा क्या, तो समझिएगा अगर मैं इसके चारों तरफ 6 लिगेंड ले आऊं तो मतलब तो यही है ना, अब मैं बताने जा रहा हूं एफी Cl6-4- का ये डायग्राम मैं किसका बनाने जा रहा हूं ये, और मुझे पता है कि यहां पे Cl कैसा है, वीक फील्ड है, और अगर वीक फील्ड हुआ तो ये जो d इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन एज इट ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये मेरे पास पड़े ऐसे ही रहेंगे, ये पड़े रहेंगे, तो मेरे पास ये 3d हुआ, ये 4s हुआ, 4p हो गया, मतलब ये वाले जो Cl है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड कभी पेयर्ड ही नहीं कर पाता तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 3 4 6 पड़े रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी कोई लिगेंड मेटल से अटैच होता है, ये देखिए 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये Cl जाके इसे अभी से बॉन्ड तो बनाएगा ना,
तो अगर यहां पे बॉन्ड बनेंगे तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास सीएल या कोई बॉन्ड या मेरे पास जो लिगेंड होता है जो बॉन्ड बनाता है उसको पूरा एक खाली ऑर्बिटल चाहिए, मतलब क्या करेगा खाली ऑर्बिटल उसको चाहिए, क्योंकि ये जाके इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और वहीं यहां पे हमारे पास क्या सीएल जाके बॉन्ड बनाएगा जहां खाली ऑर्बिटल होगा पूरा। जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में सीएल कहां से स्टार्ट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां नहीं बॉन्ड बनाएगा, कहां बॉन्ड बनाएगा जहां सो खाली ऑर्बिटल दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले कहां, एक सीएल यहां पे ऐसे, एक सीएल हो गया माइनस, दो सीएल यहां, दूसरा तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, यही हुआ है। देख लीजिए इसका मतलब सीएल क्या करेगा, एक बॉन्ड इससे बना लेगा, एक इससे, एक इससे, एक, मतलब पूरी तरह खाली ऑर्बिटल जो होंगे उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, वहीं पे क्या करेगा लिगेंड जाके उससे बॉन्ड बनाएगा। तो कितने हैं देखिए, सिक्स हैं यहाँ पे, कितने हैं सिक्स हैं, तो मैंने एक यहाँ पे सीएल ले दिया, एक सीएल यहाँ, तीन चार पांच छह, तो देखिए ये मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए। अब बताइए यहाँ पे ये कौन सा यस है, तो ये यस आ गया। पी कितने हैं, एक दो तीन ऑर्बिटल, तो पी एस पी थ्री हुआ। डी कितने यूज है, टू, तो इसका मतलब इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, एस पी थ्री डी टू। आगे बात समझ में, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। तो मुझे एक बात पता चल गई, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मुझे पता चल गया बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या है, बोलो sp3d2। आ गई बात समझ में, ठीक। अब मुझसे अगर पूछा, ध्यान दीजिए यहां पे जो बॉन्ड बनाया है सीएल उसमें बाहर वाले डी यूज हुए हैं, देखिए बाहर वाले यूज हुए हैं, तो यहां देखिए बाहर वाले अगर यूज हुए होंगे तो इसीलिए कहेंगे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, चलिए ठीक। अच्छा ये बताइए आउटर ऑर्बिटल है। अब इस वाले में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, देखिए एक दो तीन, इसका मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितने हैं यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीतते हैं बेटा, 1 2 3 4 हैं, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। आई पैरामैग्नेटिक है, अगर हमारे पास क्या है बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो उसकी स्पिन ज्यादा आती है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग में बाहर वाले डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं इसीलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कहते हैं, और इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इसकी स्पिन ज्यादा आएगी, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसे हो गए पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक होंगे, और पैरामैग्नेटिज्म निकालनी होगी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन इंटू एन प्लस टू बी एम, और यहाँ पे एन की वैल्यू आप रख दीजिएगा चार आएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू निकाल लीजिएगा, ओके। तो ये तो हमारे पास क्या है अगर क्या आया ये, ठीक, या फिर सीएल सिक्स फोर माइनस की जब बात करी जाएगी तो कुछ ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब मैं दूसरा निकालने की कोशिश करता हूं, ये तो मेरे पास क्या आ गया वीक फील्ड की तरह आ गया, अब मैं दूसरा निकालने की कोशिश करता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। अब मैं इसको मिटाए दे रहा हूं, अब दूसरा हम लोग कोई इसी तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिएगा हमारे पास अभी हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स पे ही काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ठीक। जब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा, ठीक, ओके। अब मैं यहां बेटा एक चीज और बता दूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास, ठीक। देखिए अगर मेरे पास कॉन्फिगरेशन, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हुआ छह हुआ, तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, ध्यान दीजिए, अगर डी में वन इलेक्ट्रॉन है, डी टू है, डी थ्री है, ठीक, डी वन डी टू थ्री, तीन तक आ गए, ये तीन हो गए। उसके बाद आगे मेरे पास क्या है डी फोर डी फाइव डी सिक्स, ठीक, डी सिक्स और डी सेवन, ये ठीक, और ये मेरे पास डी एट डी नाइन और डी टेन। याद रखिएगा क्या, शुरू के तीन देखिए डी वन डी टू डी थ्री और लास्ट के तीन, ठीक। तो याद रखिएगा शुरू के हमारे पास तीन हो या लास्ट के तीन हो, तो यहां पे कोई भी लिगेंड ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा ना वीक। फिर से मैं कह रहा हूं अगर डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का क्या आया, डी वन डी टू डी थ्री आया या डी एट डी नाइन डी टेन हुआ, तो कोई भी लिगेंड, मतलब यहां पे
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट और वीक फील्ड लिगेंट कोई काम ही नहीं करेगा, यहां पे हम लिगेंट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। ठीक, अगली क्लास में आगे जाओगे पढ़ोगे, यहां मतलब अगर D1 D2 D3 आया ठीक, तो यहां पे क्या होगा बेटा, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट या वीक फील्ड लिगेंट ठीक हमारे पास नहीं एप्लीकेबल होगा। यहाँ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंट क्या है, डज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, मतलब हमें क्या यहाँ पे देखना ही नहीं, यहाँ पेयरिंग होनी ही नहीं है, कुछ नहीं। इसका मतलब कोई भी लिगेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का D1 D2 D3 या D8 D9 D10 आया, तो हमें उसके बारे में सोचना तक नहीं है कि कौन सा लिगेंट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। लेकिन अगर हमारे पास क्या आया बेटा, देखो D4 से लेकर D7 तक, मतलब यहाँ D4 से D7 तक आएगा, अब इस केस में लिगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है, वीक फील्ड लिगेंट भी हो सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत मैं क्या बताऊं इसमें, इतना इंपॉर्टेंट है कि D1 D2 D3 आया शुरू किया, तीन लास्ट के तीन आ गए, तो यहां पे कांसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का। ठीक, याद रखिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 आ गया, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड हम देखेंगे, मतलब D4 से D7 तक। मैं एग्जांपल बता के देता हूं, देखिए, जैसे देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दिख रहा हूं, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पेयरिंग करवा देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहां देखिए, देखिए अगर मुझे कुछ ऐसे दे दे, मुझसे कह दे कि मान लीजिए मेरे पास क्रोमियम है ठीक, क्रोमियम, और क्रोमियम दिया यहां पे NS3 दिया बेटा, और यहां 6 लगा दिया, ये 6 लगा दिया ठीक, और यहां पे 3+ लगा दिया, 3+। अब देखिए, अब मुझसे कहा कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सारे मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब बताओ। तो सबसे पहले याद रखिए, यहां पे देखिए, ये नॉर्मली यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसकी x मानी बेटा, और ये 6 हुआ, ये 0 हुआ, ये इक्वल टू 3 हुआ। देखिए अमोनिया की 0 होती ना, चार्ज 0 होता है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई, देखिए अमोनिया की। अब देखिए +3 निकाल लीजिए पहले क्रोमियम, देखा क्रोमियम का बेटा कितना होता है, 24 होता है, जब इसका लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 4s1 3d क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। अब देखो, अब इसका मतलब इसको जरा लिख लो, अरेंज कर लो, तो ये 3d5 हो गया, 4s1 हो गया, 4p0 हो गया, 4d0 हो गया। अब देखिए, अब यहां पे क्रोमियम कितना, 3+ में है, 3+ में है, तो क्रोमियम अब 3+ में निकालिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, कहां से निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, 1 यहां से निकालेंगे, 2 यहां से निकालेंगे, 3 निकालना तो इसमें तो 1 ही है ना, तो बताओ डी में कितने बचेंगे, बोलो 1 यहां से निकाल दो क्यों, और 2 यहां से निकाल दो, तो यहां 3d कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और ये 4s0 आ जाएगा, 4p0 आ गया, 4d0। मतलब क्या हुआ, यहां पे क्रोमियम 3d3 आ गया। अब हमसे पूछा जाए कि बताओ यहां पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो हम कहेंगे यहां पे डी का कॉन्फ़िगरेशन, देखिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन D3 आया है, और अगर D3 आया है तो देखिए D3 पे तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कांसेप्ट लगेगा ही नहीं। मतलब यहां पे अमोनिया ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ना तो वीक फील्ड की तरह करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कांसेप्ट कहां लगेगा, अगर मतलब जो हमने वहां पे क्या लगाया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर 3, 4, वो किस कॉन्फ़िगरेशन पे लगेगा, D4 से 7 के बीच में, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर यहां पे बंद ये है इलेक्ट्रॉनिक ये, तो यहां कोई भी लिगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 हो या D8 D9 D10 हो, ओके ठीक, तो ये मेरे पास आया, तो मैं यहां पे कहूंगा यहां पे अमोनिया ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ना वीक फील्ड लिगेंड की तरह। अब देखिए मैं इसको बना लेता हूं, जरा इसको ऑर्बिटल में बना लेता हूं, देखिए ध्यान से मैं बना के दिखाता हूं। देखिए क्या ये क्रोमियम मिटाया है, ध्यान दीजिए, ठीक, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पहले मैं इसको बना ले रहा हूं, या तो इसी को डायरेक्ट बना लो आप। देखिए यहां पे क्रोमियम 3+ है, देखिए क्रोमियम 3+ का बनाइए बेटा, क्रोमियम 3+ का बनाएंगे तो देखिए यहां पे कितने 3d में 3 है, ये 3d आ गया, देखिए 3d 1 2 3 4 5, ये 4s आएगा, ये 4p आएगा, ये 4d आ जाएगा, ऐसे ध्यान दीजिए, देखिए ये 3d 4s
4p4d। ठीक, d में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, तीन हैं, तीन भर दीजिए, 1 2 3 भर दिया। ठीक, अब देखिए, अब इसके इसका मतलब ये तो आइसोलेटेड है ना, अकेला जब होगा इसको, अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या लिगेंड छुपा दो, ऐसे मतलब घेर दो, CrNH3 का कॉम्प्लेक्स के अंदर निकालो जरा, ये 3 प्लस की बात कर लो, इसमें करोगे, अब हमें पता है कि यहां पे ये कितना है, D3 है, तो ये D3 पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिल्कुल काम ही नहीं करता, कंसेप्ट काम ही नहीं करता, तो ये पेयरिंग अनपेयरिंग हमारे पास कुछ करवा ही नहीं पाएगा, आई बस मतलब कुछ नहीं करे, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड अमोनिया ना तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना वीक फील्ड है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D3 है। ठीक, तो देखो अब मेरे पास क्या यही वाला सेम टू सेम ऐसे पड़ा रहेगा, 1 2 3 ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4 मेरे पास क्या हो गया, D हो गया ऐसे। ठीक, तो ये 3d हो गया बेटा, ये 4s हो गया, 4p हो गया, 4d। अब अगर मेरे पास देखिए अमोनिया कहां से स्टार्ट होंगे भरना, तो अमोनिया बेटा ये एक अमोनिया यहां आ जाएगा, एक अमोनिया हुआ, दूसरा अमोनिया हुआ, देखिए तीसरा अमोनिया हुआ, ठीक, चौथा अमोनिया हुआ, ठीक, पांचवा अमोनिया हुआ, ठीक, छठा अमोनिया हुआ, 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 6 अमोनिया हो गए, तो देखिए पहले क्या हुआ है यूज, 3D कितने हैं, 2, तो D2 हुआ, यस कितना है, 1 यस हुआ, P कितने यूज हुए, 3, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास है इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2SP3 हुआ। लेकिन याद रखिएगा यहां पे लिगेंट ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना तो वीक फील्ड है, क्योंकि D3 पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कंसेप्ट अप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये D2D हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। आई बात समझ में, अब मैं थोड़ा आप देखिए यहां पे डी ऑर्बिटल देखो, पर देखो बेटा यहां बाहर वाला तो डी यूज नहीं हुआ, अंदर वाला ही तो डी यूज है, देखो ये अमोनिया ने अंदर वाले से बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इस वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें देखिए ये भी अनपेयर्ड है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड हमारे पास 3 है, अनपेयर्ड कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3 है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, बोलो पॉइंट समझ में आ गया है। ओके, तो हमने ये बता दिया यहाँ पे ना तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड ना वीक फील्ड, हाइब्रिडाइजेशन ये आया। अब स्ट्रक्चर तुम लोग बना ही सकते हो, स्ट्रक्चर दो आसान है, बोलो लिगेंट हमारे पास कितने हुए, ये हुए, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन या मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो देखिए 6 बॉन्ड बने हैं, तो देखिए क्या बना लो, क्रोमियम है 1 2 3 4 5 6, ये अमोनिया लगा दिया, एक अमोनिया यहां लगा दिया, एक अमोनिया यहां लगा दिया, ये लगा दिया, देखिए ये लगा दिया, इस तरीके से हमने लगा दिया, देखिए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे 3+ बंद कर दो ऐसे, यही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और करके दिखा देता हूं, ठीक, एक दो एग्जाम्पल में और करके दिखा देता हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं फिर एक बार, ठीक, देखिए फिर बताता हूं। चलिए मैं एक और बताता हूं यहां पे, ठीक, आइए मेरे पास क्या है अगला दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास CO है बेटा, CO है, F6 है यहां पे, F ही ले रहा हूं, और मेरे पास यहां 3- है, ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर है, अगर मुझसे पूछा जाए इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी ज्योमेट्री बताइए, और ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमंड, इसके बारे में डिस्कस करिए आप, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो इसकी एक्स मान लिए प्लस, ठीक, एक्स मान लिए, या देखिए ये फ्लोरीन है तो 6-1, फ्लोरीन पे चार्ज 1 होता है, इक्वल टू -3, तो देखिए एक्स हो गया, ये -6 हो गया, -3 हो गया, ये इधर जाएगा तो ये -3 हो गया, +6 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। ओके, और हमने यहाँ पे पढ़ रखा, समझिएगा यहाँ पे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का हमारे पास नॉर्मली कोबाल्ट का अगर देखा जाए तो 27 होता है, तो ये 4s2 3d क्या आ जाएगा बेटा, 4s2 आ गया, 3d मेरे पास आ गया, 7 आ गया, इसको मैं ऐसे ले लूं 3d7 4s2
ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 3+ है, तो CO 3+ अगर रख लोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, दो यहाँ से निकालोगे, एक यहाँ से निकालोगे, तो ये 3d6 आ जाएगा, 4s0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए बेटा d6 है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा अगर कोई हमारे पास क्या है d4 से लेके d7 तक होगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कांसेप्ट अप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आया, D6 आया। अगर D6 आया है तो ये अप जुड़ा है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कांसेप्ट अप्लीकेबल होगा। अभी मैंने पढ़ाया था क्या, अगर मेरे पास अभी मैंने बताया था क्या, मेरे पास ये I- ना Br- हो गया, आई ये मेरे पास क्या है F- था, ठीक। ये मेरे पास पानी था, ये मेरे पास अमोनिया थी, ये मेरे पास ईन थी, ये मेरे पास क्या था बोलिए CN- था, और ये मेरे पास CO था। मैंने कहा था अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आती है तो यहां से यहां तक बोलो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक, और ये वीक फील्ड होंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब +3 हो जाएगी तो ये पानी के इधर वाले क्या वीक फील्ड लिगेंड होंगे बोलिए, और इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो बताइए यहां पे बोलिए, तो यहाँ देखिए कोवाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो फ्लोरीन देखिए मतलब यहाँ पे +3 है, +3 के साथ फ्लोरीन आया है, तो इसका मतलब +3 के साथ में जो फ्लोरीन है देखिए ये वाला, इसका मतलब फ्लोरीन यहाँ क्या होगा बोलिए कमजोर वीक फील्ड की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंट है, और अगर वीक फील्ड लिगेंट हुआ तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो आइए मैं ऑर्बिटल बना के हाइड्रोजन निकाल देता हूं। देखिए अब देखिए कोबाल्ट, अभी देखिए मैंने ये तो निकाला, देखिए कोबाल्ट 3+ का, देखिए कोबाल्ट 3+ में क्या आया बेटा, ये आया मेरे पास क्या 3d6 4s0 लिख लो, 4p0 लिख लो, 4d0 लिख लो। अब इसके ऑर्बिटल बना लो, ये d1 2 3, ये 6 हो गया, ये 4s, ये 4p हुआ, ये 4d हुआ, ठीक, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हुआ। इलेक्ट्रॉन देखिए भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इसमें 0 आए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो मेरे पास क्या आइसोलेटेड फॉर्म में है ना ये, जब अकेला हो, जब इसके चारों तरफ क्या है 6 फ्लोरीन लिगेंड डालो तब क्या होगा। देखिए कोबाल्ट ये आया बेटा, कोबाल्ट F6 आया, ठीक, और इस पे चार्ज कितना है 3-। जब इसको सराउंड कर दोगे तो मैंने कहा यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंट है वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन क्या है वीक फील्ड तरह काम कर रहा है। तो मतलब 1 2 3 ये मेरे पास पूरा बना लीजिए, पहले ऐसे इस तरीके से बना लीजिए, ये मेरे पास पी वाला आ जाएगा और ये वाला मेरे पास क्या है डी वाला आ जाएगा, ये 4d हो गया, 4p हो गया, 4s हो गया, ये 3d हो गया। डी में इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 ये वाले हो गए। अब देखो ये पेयरिंग तो करवा नहीं पाता है, तो ये पेयरिंग तो नहीं करवा पाएगा, इसकी पेयरिंग यहाँ पे जब यहां से यहां जब मैं लिगेंड क्या करूंगा, यहाँ पे 6 लिगेंड मैंने सराउंड किए यहाँ पे, तो इसकी पेयरिंग ये फ्लोरीन नहीं करवा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो भरने कहां से स्टार्ट होंगे। देखिए एक ये अब यहां भरेगा, 2 3 4 5 6, तो देखिए क्या हुआ, देखिए एक यस हुआ, पी कितने 1 2 3 p हो गए, और डी कितने यूज हुए 2, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d2। अब देखिए sp3 इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, यही हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2 हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब बताइए यहाँ पे बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर वाला अगर डी हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल। अब देखिए इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बाहर वाले यूज हुए हैं, और इस वाले में अनपेयर्ड कितने हैं, देखिए 4 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब अगर मुझसे क्या कहेगा बताइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बोलिए स्ट्रक्चर बना दूंगा। कोबाल्ट देखिए 6 बॉन्ड बनाने हैं, यफ हो गया, ये तो इसका मतलब क्या होगा ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, 3- का ऑक्टाहेड्रल हमारे पास हो जाएगा, ठीक। तो ये तो मेरे पास हो गया इसका, ठीक। अब मैं एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूं, बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं इसको मिटा दूं, ठीक, देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए अगला वाला कमरे, देखिए ये मैं लिख रहा हूं, एक कोवाल्ट इनका होल थ्राइज लिख लीजिए, इनका होल थ्राइज
और ये Cl, इसको ऐसे लिखिए, ये Cl3 इस पे निकालना है बेटा, इस पे CO इन का होल ट्राइज Cl3 इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इसकी, इसकी x मान लीजिए, चलिए ठीक, इन पे बेटा चार जीरो होता है, तो ये आप प्लस थ्री जीरो प्लस, देखिए आगे क्लोरीन, देखिए तीन क्लोरीन है, एक पे माइनस वन होता है, ओवरऑल चार जीरो है, न्यूट्रल है। तो देखिए एक्स हमारे पास क्या, ये जीरो हो गया, ये माइनस थ्री हो गया बेटा, यहाँ जीरो, तो याद रखिए एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या प्लस थ्री, मतलब ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर नॉर्मल अगर कोबाल्ट देखा जाए तो कोबाल्ट का 27 होता है, तो ये 4s2 3d7 आता है, बोलिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर ले तो 3d7 आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे है क्या कोबाल्ट 3, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, निकालेंगे तो दो यहां से निकालोगे, एक यहां से निकालोगे, तो क्या आ गया बोलो, ये 3d6 आ गया, 4s0 आ गया, बोलो, दो यहां से निकाला, यहां से एक निकाला, तो छह ही तो बचेंगे, बोलिए तीन निकाल दिए, तो मतलब अभी भी देखिए d6 है, और अगर d6 है तो ये जो ईन है बेटा यहां पे, ये लिगेंड जो है यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। अभी बताया क्या, अगर d1 से लेके d3 तक है तो कंसेप्ट नहीं अप्लीकेबल होगा, लेकिन D4 से D7 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड होगा, लेकिन D8 से लेके D10 तक होगा तो यहां भी नहीं होगा, मतलब D4 यहां पे देखिए D6 है, तो इसका मतलब यहां पे ये लिगेंड या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या तो वीक फील्ड होगा। अब देख लेते हैं, देखो यहां पे बेटा है क्या, ये ईन है, तो ध्यान दो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी प्लस थ्री, तो देखो अगर मैंने कहा था अगर प्लस थ्री हुई तो ये पानी के, ये पानी है, पानी के इधर वाले वीक फील्ड लिगेंड और पानी के इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड, देखो अब पानी के इधर ही तो ईन आ रहा है, ईन देखो पानी के इधर आ रहा है ईन, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा क्योंकि ये इधर आ रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह इधर आ रहा है, तो मैं देखो अब मैं यहाँ पे कोबाल्ट का डायग्राम, ये देखिए ये मैंने लिखा था कोबाल्ट का, देखिए क्या लिखा था 3d, ये तो जरा देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 3 का मैंने बनाया था क्या बेटा, ये 3d6 आया था, 4s0 था, मैं 4pb0 लिख लेता हूँ, 4db0 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए, तो ये मेरे पास 1 2 3 4, देखिए 3d आया, ये 4s लिख दिया, ये 4p लिख दिया, और ये मैंने क्या किया 4d लिख दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन भरिए, डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, आ गया समझ में। तो ये जो कोबाल्ट 3 प्लस है ये तो अभी आइसोलेटेड फॉर्म में है, अभी मैंने इसके चारों तरफ लिगेंड सराउंड नहीं किए, अब मैं इसके चारों तरफ कितने लिगेंड, देखिए इन के कितने, बोलो इन के मेरे पास क्या 3 मॉलिक्यूल सराउंड कर दूं, अगर 3 इन सराउंड कर दूं तो क्या बन जाएगा CO, बोलिए इन का होल थ्राइज बन जाएगा, और ये बोलिए क्या कर दिया यहाँ पे Cl, मतलब ये 3 ये और 3 Cl ये, तो ये Cl3 बना दूं ऐसे, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, ये इन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनकी पे ये यहां आ जाएगा, या मैं कहूं ये वाला बंदा यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, मतलब इस वाले केस में अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो ये पेयरिंग हो जाएगी। अब पहले देखिएगा 1 2 3 2 5, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये 4d हो गया, बोलिए। अब ध्यान दीजिए ये इसका मतलब ये क्या करेगा, कोबाल्ट नॉर्मली आइसोलेटेड फॉर्म में, लेकिन जैसे वो क्या इन के साथ जुड़ेगा, याद रखिएगा मैं इधर बाहर वाले की बात नहीं कर रहा, तो बाहर वाला लिगेंड मतलब यहाँ सीएल थोड़ा ना लिगेंड है, लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं ना, तो याद रखिएगा मैं इन के बारे में सीएल को नहीं देखू, मैं सीएल लिगेंड थोड़ा ना यहाँ है, लिगेंड तो वो होगा जो मेटल से डायरेक्ट अटैच होगा, तो मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या होगा कोबाल्ट के साथ इन आ रहा है प्लस 3 ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, तो ये क्या कर देगा पेयरिंग कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ये वाला इधर, तो 1 2 ये हमारे पास हो जाएंगे। ओके, हो गई बात समझ में आई बात, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा अब यहां पे इन कितने हैं, इन मेरे पास 6 हैं, सॉरी क्या नाम, इन याद रखिएगा 3 मॉलिक्यूल हैं, अब याद रखिए एक इन का मॉलिक्यूल ऐसा, मतलब एक इन का हमारे पास मॉलिक्यूल होगा तो वो 2 बॉन्ड बनाता है ऐसे, ये एक मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब अगर एक ईन होगा तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे 6, ईन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम किया है, पेयरिंग करवा दिया, तो क्या होगा
एक इन यहां पे ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, एक हुआ, दो ये वाला ऐसे हुआ, इन ऐसे लिख दो इन, और ये हमारे पास दो यहाँ इन, ये एन ए इन हुआ, ठीक है। ऐसे ये इन मेरे पास क्या नॉर्मली ये होता तो कितने हो गए, देखिए छह बॉन्ड, इसका मतलब छह बॉन्ड, एक इन क्या दो बॉन्ड, बोलिए तो तीन यहाँ पे इन है तो छह, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 3D था, ये 4S था, ये 4P था, और छह बॉन्ड बने तो देखिए D2SP3 आया। मतलब ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, इसमें हाइब्रिडेशन D2SP3 है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ओके ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब मुझसे अगर पूछा जाए, देखो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मतलब ये डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं। तब बात समझ में आ गई क्या, कि ये मेरे पास हाइड्रोजन D2SP3 है, ठीक, अंदर वाले डी यू जो है तो इनर डी ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब याद रखिएगा यहाँ पे देखिए सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड नहीं है, तो अभी बताया था अगर अनपेयर्ड नहीं है, ठीक, अगर इसमें अनपेयर्ड होते बहुत सारे तो उस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन का भी कह सकते थे, लेकिन सारे पेयर्ड है तो यहाँ पे स्पिन नहीं होगी, तो मैं इस इनर ऑर्बिटल को भी कह सकता हूँ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे इसलिए मैं ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स ना, क्या मैंने बोला अंदर वाले यूज हो रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा यहाँ पे स्पिन जीरो है, ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे पेयर्ड है, पेयर्ड होंगे तो स्पिन जीरो हो जाएगी, तो मैं कहूंगा लो स्पिन है। और अगर ऐसे कुछ होता कि डी दे देता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे होते तो मैं कहता वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। अब मैं एक काम करूंगा, मैं सारे बहुत सारे दे दे रहा हूं, आप लोग इस तरीके से निकाल निकाल के देखिएगा, ओके। तो मैं यहां पे कुछ दे दे रहा हूं यहां पे कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उसको कैलकुलेट करिएगा। तो मेरे पास जितने भी बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो आप याद रखिएगा मैं जितने भी बोर्ड में यहाँ पे आए हुए हैं आप उसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो तो मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ देखिए कौन कौन से पूछे गए हैं, यहाँ पूछा गया देखिए ये बोर्ड में हमारे पास क्या है, बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड प्रॉब्लम ऑफ बोर्ड, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है ऑफ बोर्ड, देखिए कौन कौन से पूछा गया, देखिए COF6-3- का पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है CrH2O का होल ट्वाइज, ठीक, और ये C2O4 का 2-, ये माइनस माइनस। अब याद रखिएगा यहां पे ऑक्सलेट है, जब यहां पे ऑक्सी देखिए यहां पे याद रखिएगा, देखिए क्या है ये 3, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 3+ आएगी, और 3+ आएगी तो फ्लोरीन हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऐसे इस वाले में क्रोमियम पे जब निकालेंगे यहां पे देखिएगा क्रोमियम में यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +3, ठीक, क्रोमियम में +3 आएगी, यहां पे देखिएगा ये 4+3, तो याद रखिएगा यहां पे कोई भी लिगेंड तब जब +3 आ जाएगा तो ये याद रखिएगा क्रोमियम हमारे पास आ जाएगा D3, और D3 में ना तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया या वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट अप्लीकेबल ही नहीं है, तो यहां कुछ मत करवाइएगा पेयरिंग अनपेयरिंग कुछ मत करवाइएगा, क्यों, क्योंकि क्रोमियम 3+ में आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा, ठीक, अगर आ जाएगा क्योंकि इस वाले पे ऑक्सलेट है ना बेटा, ऑक्सलेट पे चार्ज कितना होता है -2 एक मोलिक्यूल पे, तो दो मोलिक्यूल पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे क्रोमियम की कितनी x मानी +2, ये पानी की 0 होती है, इस वाले में +2 एक ऑक्स पे -2 = -1, देखिए है, अब ये x हो गया मेरे पास 0 हो गया -4 = -1, x हो गया उधर जाओगा -1 + 3 sorry +4, तो ये आ जाएगा क्या +3, मतलब यहां पे क्या आएगा क्रोमियम क्या हो जाएगा D3 आ गया है, D3 आया तो यहाँ पे ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की तरह काम नहीं करेंगे, तो ये दूसरा आया है। तीसरा देखिएगा जितने भी अभी तक बोर्ड में आए हैं मैं सारे लिखवाए दे रहा हूं बेटा, तो कर लीजिएगा घर पे निकाल लीजिएगा। थर्ड देखिए क्या आया है, थर्ड ये पूछा गया है
कोवाल्ट है बेटा, एनएस3 का होल ट्वाइज है, ठीक, एनएस3 का होल ये इन हो गया, इन का होल ट्वाइज हो गया और ये प्लस 3 आ गया, ये 3 प्लस आया ऐसे, ठीक। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ध्यान दीजिए यहां पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस 3 आएगा, ठीक, अगर प्लस 3 आया तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और क्या करेंगे कॉज पेयरिंग कॉज कर देंगे, कॉज पेयरिंग निकाल लीजिएगा, ठीक, कॉज पेयरिंग, और पेयरिंग कर देंगे तो याद रखिएगा हाइड्रोजन इस पे D2SP3 ही आएगा, D2SP3 आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आ जाइएगा, ये मेरे पास आ गया कोवाल्ट, मैंने ये तो शायद मैंने करा ही दिया है, NH3 का होल 6 हो गया और ये मेरे पास क्या 3 प्लस, तो याद रखिएगा यहां पे प्लस 3 आएगा D3 ना, सोच ये हमारे पास कोवाल्ट 3, तो याद रखिए कोवाल्ट का नॉर्मली कोवाल्ट का हमारे पास 4s2 होता है, 3d7 होता है, लेकिन कोवाल्ट 3 जब करोगे तो ये यहां से दो निकलेंगे तो ये आ जाएगा 4s0 3d6, तो याद रखिएगा यहां पे क्या कोवाल्ट प्लस 3 में है, ऑक्सीडेशन अगर 3 में है तो ये वाला लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हुआ तो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग अगर करवा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन या ये कोबाल्ट पे D2SP3 आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा निकाल के, ठीक। फिर आइए मेरे पास क्या है छठा, देखिए मेरे पास छठा, छठा भी अभी देखिए बताइए क्रोमियम वाला करवा दिया, देखिए क्रोमियम हो गया NH3 का होल 6 आ गया और यहाँ पे बेटा दिया हुआ है 3 प्लस, अगर 3 प्लस दिया होगा यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी प्लस 3 आएगी, अगर नॉर्मल क्रोमियम क्या होता है हमारे पास 4s1 3d5 होता है, लेकिन अगर मैं क्रोमियम 3 प्लस निकालूंगा तो देखिए ये वाला 3 प्लस जब निकालूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा दो इधर, तो यार 4s0 3d कितने हो जाएंगे बोलिए 3d, तीन निकालोगे तो एक यहां से दो यहां से तो 3d, तो याद रखिएगा यहां पे D3 है ये, और अगर D3 है तो ये जो अमोनिया है ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, यहां पे कांसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक, यहां पे कांसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक, ना स्ट्रॉन्ग फील्ड ना वीक फील्ड, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा तो D2SP3 आएगा, आप एक बार निकाल के देखिएगा, तो ये छठा हो गया, ठीक। आगे बढ़ता हूं, आगे दो चार और लिखे हुए हैं, देखिए ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं बेटा, आप इसमें निकाल के कोशिश करिएगा, ठीक। अब देखिए मेरे पास सेवेंथ में आ जाइए, मेरे पास सेवेंथ में, मेरे पास छठा हो गया, सेवेंथ में मेरे पास चौथा ही था, ठीक, चौथा था ये पांचवा था, ठीक, छठे पे आइए, छठे पे देखिए, सिक्स पे आइए, मेरे पास ये है क्रोमियम NH3 का होल 4, ये Cl2 आएगा और इधर बाहर Cl आएगा, ठीक। अब क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो x हो गया, ये हमारे पास 4 है बेटा, देखो 4 अमोनिया 0 होता है, प्लस 2 इसमें माइनस 1 होता है, प्लस ये बाहर है तो देखो 1 ये माइनस 1 होता है, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक, तो याद रखें x हो गया ये 0 हो गया, ये मेरे पास क्या हुआ माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3, मतलब यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 में आ गया है, और क्रोमियम प्लस 3 अभी मैंने कहा देखिए क्रोमियम D3 होता है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है क्रोमियम प्लस 3 का मतलब है D3, और मैंने पढ़ा है D1 से लेके D3 पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का काम, मतलब यहाँ पे जो अमोनिया ये जो भी लिगेंड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट अप्लीकेबल ही नहीं होगा, यहाँ ना तो कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास पेयरिंग ना करवाना, ठीक, क्योंकि पेयरिंग और हमारे पास कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग वीक है अगर वो D4 से लेके अगर D7 तक होगा तभी हम लोग वो करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड मानेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो याद रखिएगा D2SP3 आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा निकाल के, ओके। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया छठा, सातवां देखिए, सातवें में आप निकाल लीजिएगा, देखिए सातवां मेरे पास क्या है सेवेंथ, देखिए सेवेंथ मेरे पास है, ये मैंने करवा दिया है, देखिए सेवेंथ मैंने शायद करवा दिया है, ठीक, एट भी करवा दिया है, ये भी मेरे पास करवा ही दिया है, ठीक, ये देखिए मेरे पास सेवेंथ मेरे पास देखिएगा कोवाल्ट हो गया, ये Cl हो गया, एक अमोनिया है NH3 है और एक ईन का होल ट्वाइज है, ये ठीक, इस वाले में 2 प्लस। अब ध्यान दीजिए यहां पे जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, निकालिएगा तो देखिए इसकी माइनस वन आएगी, ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो निकाल लीजिए ना। देखिए तो ये सीओ की एक्स माना, ये माइनस वन हो गया, ठीक, ये जीरो हुआ, ये भी जीरो हो गया, ये प्लस टू हुआ, तो देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू हो गया, ये प्लस वन हुआ, तो ये प्लस थ्री आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस थ्री में आया, और कोबाल्ट प्लस थ्री का मतलब होता है डी सिक्स। डी सिक्स अगर आया तो यहाँ पे जो अमोनिया इन होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग पिल लिगेंड की तरह काम करेंगे, और क्या करेंगे, कॉज पेयरिंग कॉज हो जाएगी। और अगर पेयरिंग कॉज हो गई आई बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और इस पे जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो याद रखिएगा ये एसपी थ्री, या अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आया ना, मतलब कॉज हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा डी टू एसपी थ्री, ये आ जाएगा सातवा, ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे निकालिएगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये आया के फोर एफ ई, सॉरी एम एन, ये एम एन है, को एम एन सी एन सिक्स, ये आया, ठीक, के फोर, सॉरी गड़बड़, ऐसे आएगा के फोर एम एन एफ ई सिक्स आया, ऐसे सी एन सिक्स है, सी एन सिक्स, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट जब निकालोगे तो यहाँ पे मैग्नीज की प्लस टू आएगी, और मैग्नीज की अगर टू प्लस आई तो यहाँ पे डी फाइव आएगा, और डी फाइव में ये वाला लीगेंड हमें पता है, ध्यान दीजिए प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ क्या है, यही वाले दो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका मतलब ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग पिल लीगेंड है, और क्या कॉज कर देगा, बोलो पेयरिंग करवा देगा, और अगर पेयरिंग करवा देगा तो ये स्ट्रॉन्ग पिल लिगेंड की तरह काम करेगा, और ये हमारे पास जो मैग्नीज है इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, डी टू एसपी थ्री आएगा, एक बार चेक करिएगा, ठीक ना, ये आप इस तरीके से इतने निकाल दीजिए। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, ठीक, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास सिक्स है तो ये हमारे पास पूरा काम होगा, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर सिक्स है तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अगले लेक्चर पे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फोर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो तो उसपे हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे लिगेंड कैसे बिहेव करेगा, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, कौन सा वीक बिल्ड होगा। तो ये तो हमारा केस किसका हुआ, सिर्फ किसका, ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स का हुआ, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन से लिगेंड स्ट्रांग होंगे, कौन से वीक होंगे। आज इस लेक्चर के लिए थैंक यू।